हाय गाइस, माय सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग क्लास 12th के लिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स का शायद 6 या 7 पार्ट होगा उसको लेके आए हैं। और इस पार्ट में हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि यूजफुल है फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर थर्ड पार्ट एंड बीएससी थर्ड ईयर में भी है। ट्रांजिस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर में है, बीएससी थर्ड ईयर में, ट्वेल्थ में यूपी बोर्ड वालों के लिए और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए, ठीक है ना। और हम लोग आईआईटी नीट का तो है ही है, सबको पता है, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर में हमने दो टाइप के ट्रांजिस्टर बताए थे। ट्रांजिस्टर में बताया था ट्रांजिस्टर एक ऐसे प्रकार का डिवाइस है जिसमें दो डायोड मिलके बनते हैं। कितने डायोड होते हैं? दो। और पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं, बीएनपी ट्रांजिस्टर की बारी है। इसमें क्या है, दो थिक, देखिए बच्चा, दो थिक पी टाइप, दो एनपीएन पढ़ा है, दो थिक एन टाइप, दो थिक एन टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक सैंडविच टाइप पी टाइप क्रिस्टल को कनेक्ट करते हैं, समझेगा? दो, पहले समझिएगा, इधर बात लिखिएगा, दो थिक एन टाइप क्रिस्टलों के मिडल में एक थिन सैंडविच टाइप क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है ना। और सबको पता है कि इसमें ट्रांजिस्टर है तो एक को बनाएंगे फॉरवर्ड वाइज और एक को बनाएंगे रिवर्स वाइज, ठीक, एक को बनाएंगे फॉरवर्ड वाइज और एक को बनाएंगे रिवर्स वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज कौन सा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड वाला। कौन सा वाला? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये रिवर्स वाइज रहेगा, ठीक है ना। और जब रिवर्स, सॉरी फॉरवर्ड वाइज कैसा रहेगा? फॉरवर्ड वाइज। और सबको पता है कि फॉरवर्ड वाइज कब होता है? जब पी टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव पर है और एन टाइप पी टाइप क्रिस्टल नहीं होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव पर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस पर है? नेगेटिव पर है। तो क्या बनेगा? फॉरवर्ड वाइज। तो फर्स्ट पी जंक्शन डायोड हम लोग बनाएंगे फॉरवर्ड वाइज, तो पी को दिया पॉजिटिव और एन को दिया नेगेटिव, ठीक है ना। तो हमारा क्या बना? ये फॉरवर्ड वाइज। सेकेंड पी जंक्शन डायोड हम लोग बनाएंगे रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज का मीन्स सबको पता है कि पी टाइप क्रिस्टल को देंगे नेगेटिव और एन टाइप क्रिस्टल को क्या देंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे। अच्छा, ये भी सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टिविटी हाई होगी और रिवर्स वाइज में कनेक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। तो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। और इसमें कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। सबको पता है इसकी रेसिस्टिविटी क्या? रेसिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। और इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। ये सबको पता है, ठीक है ना। जिसकी कंडक्टिविटी लो होती है उसका रेसिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। और ये भी हम बता चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्टिंग में इमीटर करंट, कौन सा करंट होता है? इमीटर। ये इमीटर होता है, ये बेस होता है। बेस किससे कनेक्ट होता है? ये बात आप लोगों में रह गई पहले 12th में, यानी 10+2 में, कोरोना से पहले। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। ये अब आपको बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगा, बताइए। जो 12th वाले बच्चे पढ़ते थे बीएससी थर्ड ईयर में, जो आप लोग ने पढ़ रहे हैं कि नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, मैग्नेटिज्म पढ़े और पोलराइजेशन जो आप छोड़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा था,
ये सब बीएससी सेकेंड ईयर में, यानी कि जो ट्वेल्थ का एकदम बेहतरीन सिलेबस था जो अब हट गया है, डिलीट हो गया पर्सन, वो सब बीएससी मिलेगा, बीटेक मिलेगा आपको। अगर जो लोग बीटेक करेंगे बीटेक मिलेगा, और जो लोग नीट यानी कि डॉक्टर बनेंगे उनको कहीं नहीं मिलेगा, उनका काम खत्म। ठीक है, समझे बच्चा? आप ध्यान दीजिए, ये मीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो करंट किधर की ओर आएगा? नेगेटिव की ओर आएगा। किधर की ओर जाएगा? नेगेटिव की ओर। और बेस क्या रहेगा? ऊपर जाएगा, प्लस है, तो ये मीटर भी इस साइड जाएगा। तो ये आई दबंग है बच्चा, ये दबंग है। कैसे दबंग है? आपने जब पीएनपी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पीएनपी। क्या पढ़ा था? पीएनपी। ध्यान दो बच्चा, पीएनपी में आई इनसाइड था, तो आई बी आई से क्या था? आउटसाइड था। और एनपीएन में क्या है? आई आउटसाइड है, तो बी आई बी करेंट, बेस का करेंट और कलेक्टर करंट कहां पे है? इनसाइड है। किधर है बच्चा? इनसाइड है। अब जब इनसाइड है, इसका मीन समझे हो क्या? कि ये आई अकेला है, सिंगल आई अकेला है। तो बच्चा जब भी लाइफ में प्रॉब्लम पड़े कभी, तो अकेले चलिए, बहुत मजा है। और जब भी प्रॉब्लम पड़ेगा तो आप अकेले रह जाएंगे, साथ में कोई नहीं रहता है। अपने शेरों के लिए चलिएगा, जैसा आई सेट कर चलता है, ठीक है ना? अकेले आई, एक तरफ आई सी है, प्लस आई बी। लाइफ में बहुत सारी मोड़ें पड़ेंगी, वहां अकेला चलना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, बाजार वाले मोड़। बाजार वाली मोड़ नहीं बच्चा, अभी तुम लोग नहीं समझते हो। हर कदम कदम पे यदि आपकी आपने जॉब नहीं मिली, आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं पढ़ाई करी, तो बहुत प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है ना? इधर स्थाना मिलेगा, उधर स्थाना मिलेगा, ठीक। तो अपने आप को मजबूत रखना चाहिए लाइफ। किसके तरीके से? इमीटर करंट के तरीके से। किसके तरीके से? इमीटर करंट के तरीके से। अकेला चलता, चाहे अप जाएगा तो भी अकेला जाएगा, और डाउन जाएगा तो भी अकेला जाएगा। बड़ो धरा पर अकेले ही तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, ठीक है? अब जान लीजिएगा, जब आई इक्वल टू, हाँ, जब आदमी नीचे आता है धरती पे तो भी अकेले ही आता है, और जब जाता है स्वर्गवासी हो जाता है तब भी अकेले ही आता है। तो आई इक्वल टू क्या बच्चा? आई सी प्लस आई बी, ठीक है ना? और समझेगा, ये फॉरवर्ड वाइज, ये फर्स्ट प्रेजेंशन डायोड, ये सेकेंड प्रेजेंशन डायोड है, ठीक है? तो लिखिए इसके बारे में, क्लियर बनाइए बच्चा। तो बच्चा एमपीएन ट्रांजिस्टर नोट करिएगा, इन दिस वेरी थिन लेयर ऑफ, इन दिस वेरी थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दिस वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हो सा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन थिन है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज सैंडविच बिटवीन टू थिक लेयर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चा आप लिखिए हिंदी में, लिखिए हिंदी वाले। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बहुत पतला होता है, जो कि मध्य में इसमें मिडिल में, जो कि मध्य में दो एन टाइप, जो कि मध्य में दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच रखा होता है, अर्धचालकों के बीच में रखा होता है।
ठीक है ना। अब बच्चा क्या लेगा, इमीटर। अच्छा बंद करते होंगे। देखो बच्चा एक साइड जो इमीटर है, इमीटर क्या है, वन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की एक साइड में जो आउटर लेयर होती है बस लेफ्ट हैंड साइड में, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में, व्हिच सप्लाइड द मेजोरिटी चार्ज कैरेज। इसमें क्या होता है, चार्ज कैरेज किस में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। इसमें चार्ज कैसे होता है, मेजोरिटी में होता है। इजनोन एज इमीटर दिस लेयर हैवली डोप्ड, ये लेयर हैवली डोप्ड करती है इमीटर टर्मिनल रिप्रेजेंटेड बाय ई। इमीटर टर्मिनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई। समझो बात को। यदि आपसे पूछा जाए इमीटर कलेक्टर क्या दोनों सेम होता है, आपको ये तो पता है कि इमीटर थिन होता है, ये पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इमीटर ज्यादा थिक होता है कि कलेक्टर। इमीटर ज्यादा थिक होता है क्योंकि वो अकेला है एक साइड में आई, ठीक है ना। और ये आपने पढ़ा था किरचॉफ फर्स्ट रूल में कि जो आउटर की ओर करंट जा रहा है वो अलग रहेगा और इक्वल रहेगा इस साइड की ओर जाने वाला, ठीक है ना। तो बच्चा हिंदी में लिखिएगा। तो बच्चा नेक्स्ट क्या है, बेस। क्या है बेस, सबको दिख रहा है बेस का है, द मेटल लेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नोन एज बेस। दिस इज अ वेरी थिन एंड लोअर डोप्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। आप लिखिएगा हिंदी में, बच्चा लिखिएगा कलेक्टर। दिस इज आउटर लेयर ऑफ द अदर साइड इज नोन एज कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के जो दूसरी ओर पर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कलेक्टर। दिस लेयर कलेक्ट द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। अच्छा ध्यान दीजिए, दिस लेयर कलेक्टेड द मेजोरिटी चार्ज कैरियर व्हिच इज इमिटेड बाय द एमिटर। ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज इमीटर से इमिट किए जाते हैं वो कौन कलेक्ट करता है, कलेक्टर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत काम हो जाता है बेस में, मोदी जी फेंक रहे हैं, राहुल गांधी लपेट रहे हैं, ठीक है ना। तो वही काम ही है, इमीटर क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जनता मिल रहा है, ठीक है, बीच में इमीटर यही है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा चार्ज किसमें होता है, इमीटर में, उसके बाद में कलेक्टर में। देखो दिया गया है बच्चा, समझेगा, यदि 100% इमिट करता, सपोज कर लो इमीटर यदि 100% इमिट करता है तो कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर करंट 98% तक कलेक्ट कर लेता है, 95% से 98% तक कलेक्ट कर लेता है। और जो बेस करंट होता है उसके हिस्से में कितना पड़ता है, 2% से 5%, ठीक है ना, 2 से 5%, ठीक। इमिटर यदि 100% इमिट करेगा तो कलेक्टर ध्यान रखिएगा 95 से 98% तक कलेक्ट करता है, तो शेष जाता कहाँ जाता है, इमीटर में, सॉरी बेस में, कहाँ जाता है, बेस में, 2 से 5%। बात समझ में बच्चा। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर काम खत्म। अब हम लोग लॉजिक गेट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चा, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।